बॉलीवुड के सबसे पुराने और नामचीनी घराने कपूर खानदान के बारे में कौन नहीं जानता। कपूर खानदान जहां पर हाल ही में 9 फरवरी साल 2021 को दुनिया को अलविदा कह गए, जहां पर राजीव कपूर के निधन से सदमे में है पूरा कपूर खानदान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कपूर खानदान की बहुएं जो है उनकी असल में जिंदगी कैसी है, या यूँ कहे कि उनका रिश्ता कैसा है। आज इन्हीं बातों पर हम करेंगे चौंकाने वाला खुलासा। आप सबको बताएंगे सच। कपूर खानदान की बहू यानी कि देवरानी जेठानी नीतू कपूर और बबीता कपूर के रिश्ते का सच। दरअसल नीतू कपूर और बबीता कपूर एक दूसरे की देवरानी और जेठानी है रिश्ते में। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी के मौके पर इन दोनों जेठानी और देवरानी के बीच बरसों से चली आ रही जंग को ख़त्म करने का काम ज़रूरी किया था, लेकिन रिश्तों में पड़ी इस गांठ के निशान आज भी मौजूद हैं। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से शादी साल 1971 में हुई थी, जबकि नीतू कपूर साल 1980 में कपूर खानदान की बहू बनी। शुरुआत से ही परिवार की दोनों बहुओं के बीच कभी भी रिश्तेदारी अच्छी नहीं बनी। हालांकि संबंध की वजह से हमेशा खबर कपूर खानदान के बीच ही रही। किसी ने भी बबीता और नीतू की इस लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जेठानी और देवरानी के दिलों के बीच की जो दूरियां थी वो किसी से छिपी नहीं थी। कई मौकों पर इन दोनों के रिश्ते का सच भी सामने आया। कहा तो ये भी क्या था कि जब बबीता और नीतू के बीच 36 का आंकड़ा था, तब साल 2003 में परिवार की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की शादी बिजनेसमैन संजय कपूर से हुई थी, तो नीतू कपूर करिश्मा कपूर की शादी में शामिल नहीं हुई थी। इस बात का बदला बाद में बबीता कपूर ने भी लिया था, जब साल 2007 में नीतू कपूर और ऋषि कपूर की इकलौती बेटी रिद्धिमा की शादी हुई, तब ना तो बबीता उस शादी में शामिल हुई और ना ही करिश्मा और करीना। रणधीर कपूर अकेले ही रिद्धिमा भारत साहनी की शादी के फंक्शन में अकेले शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, साल 2010 में जब नीतू की मां राजेश सिंह का निधन हुआ था, तब नीतू सिंह के घर पर मौजूद था, लेकिन बबीता कपूर वहाँ नहीं गई थी। इतना ही नहीं बल्कि देवरानी जेठानी के रिश्ते में मौजूद इस कड़वाहट का असर इनके बच्चों पर भी पड़ा। रिद्धिमा कपूर और करिश्मा कपूर करीना कपूर के बीच के रिश्ते भी ज़्यादा खास नहीं हैं। रिद्धिमा कपूर करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की तीसरी बीवी प्रिया सचदेवा के साथ मिलकर ज्वेलरी बिजनेस कर रही है। रिद्धिमा का करिश्मा की सौतन प्रिया के साथ हाथ मिलाना भी कॉन्ट्रोवर्सी में रहा। हालांकि रिद्धिमा ने इस बात पर कोई भी सफाई नहीं दी। देवरानी जेठानी के बीच चल रही ये कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए बबीता ने ही पहल की थी। 2012 में करीना और सैफ की शादी में शामिल होने के लिए इनविटेशन लेकर खुद बबीता कृष्णा राज बंगला पहुंची थी और नीतू को पर्सनली इनवाइट भी किया था, जिसके बाद नीतू कपूर भी करीना की शादी में शामिल हुई। दोनों देवरानी जेठानी शादी के फंक्शन में ऐसे मिली जैसे इनके बीच किसी भी तरह की कोई खटास मौजूद ही ना हो। दोनों ने साथ मिलकर डांस भी किया और हर फंक्शन को एंजॉय भी किया। इतना ही नहीं बल्कि इसी साल अरमान जैन की शादी भी हुई थी, जिसमें काफ़ी जमकर डांस किया था बबीता कपूर और नीतू सिंह ने। कहते हैं कि जेठानी बबीता कपूर और देवरानी नीतू कपूर ने नफरत को भुलाकर रिश्ते में मिठास ले आए, लेकिन रिश्तों में पड़ी वो गांठ आज भी इनके रिश्ते को काफ़ी प्रभावित करती है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।